तो गुड मॉर्निंग गाइस, रात को इतनी गंदी नींद आई कि मुझे लगता है मैं शायद 10:30 बजे ही सो गया था। जैसे ही आपको बाय किया उसके बाद मैं अपने रूम में आया एंड सो गया। वैशाली से भी ज़्यादा बात वगैरह नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे ट्रैवल से। और अभी उठ गया हूँ थोड़ा जल्दी, अभी 7 बजे, 7 ही बज रहे। और अभी जा रहा हूँ मैं, कहाँ दिखाता हूँ। मैं जा रहा हूँ पूल पे, ये एरिया मैंने आपको दिखाया नहीं था। सुबह सुबह 7 बजे पूल में नहाने का मजा ही कुछ और है। मतलब अभी आंखें भी सूजी पड़ी है लेकिन इतना मन कर रहा था ना जाने का। देखो बहुत मस्त है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय ब्रेकफास्ट, जो कि टिपिकल बफे या बूफे जो भी होता है वो सब है ब्रेकफास्ट वाला। आलू पूरी, इडली एंड चटनी, प्लस देर आर अदर ऑप्शंस जो भी होते हैं वो सब अगर मैं खाऊंगा तो मैं दिखाता हूँ। तो गाइज अभी फिर से कहीं पे साइट सींग एंड ऑल हमें लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली ये एक हिल स्टेशन है और बहुत ही रिमोट है एक तरीके से, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रैवल का यही तरीका है, जीप्स में जा सकते हैं आप क्योंकि बहुत नैरो रोड्स है। तो यहाँ तक तो बस एंड ऑल में आ सकते हो आप, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ से जीप वगैरह में ट्रैवल करना पड़ता है। आधा ग्रुप गया है, ऑलमोस्ट सारा ग्रुप गया है अंदर, एक म्यूज़ियम है वहाँ पर, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ पर आ गया। ये लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है और ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड कह लो या कुछ भी कह लो इसको, बट लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। स्टेयर्स हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा सा चढ़ के वहाँ पर जाना होता है। व्लॉग के चक्कर में ऊपर तो आ गया लेकिन बहुत टायरिंग है, प्लस कल जैसा मौसम था आज मौसम वैसा नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सनस्क्रीन वगैरह सब धुल गया एंड नीचे उतरता हूँ। तो गाइज ये एक साइट है जहाँ से नीचे जाना है एंड ये 450 स्टेयर्स है, 450 स्टेयर्स उतर के नीचे लेकर जा रहे हैं हमें, एंड नीचे पहुँच के क्या है मैं अब दिखाता हूँ अभी। तो अभी सिर्फ 100 स्टेयर्स नीचे उतरे हैं और 100 स्टेयर्स उतरने के बाद ये है कुछ नज़ारा। ये एक फॉल है यहाँ पे छोटा, और इसके बाद आगे क्या है और भी ज़्यादा नीचे मैं पैर लगा के बैठ जाओ। आई रियली विश की विशाली होती, उसको ये सब बहुत पसंद है। ऑल दो वो इतना चल नहीं पाती लेकिन बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत मस्त लगता है यहाँ पर उसको आके। आई एम रियली मिसिंग यू बेबी, काश तू होता, बट कोई बात नहीं, जल्दी हम बहुत सारी ट्रिप्स करने वाले हैं। गाइज मैं इस वाटरफॉल में जाकर आ चुका हूँ लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पानी है, फ़ोन ले जा नहीं सकते थे, फ़ोन मैंने बैग में रख दिया था, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वहाँ जाके पता चलेगा, एक्चुअली वहाँ पर एक स्पॉट है अंदर, वहाँ पर बहुत तगड़ा फ्लो है। और हो गया नहा लिए, अब वापस चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए थे होटल में वापस वो वाटरफॉल देखने के बाद, एंड जैसे ही हम आए तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई। अभी तो फिर भी स्लो है, जो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे वो वहीं अटके हुए हैं अभी तक, लेकिन मैं आ गया था रूम में अपना अम्ब्रेला लेके, तो अब थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद शायद दोबारा से कहीं और जाना है, तो कीप वॉचिंग। गाइस इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, इतना ज़्यादा खा लिया ना,
अब मन कर रहा है सो जाऊं, लेकिन अभी भी सो नहीं सकते हैं, आगे भी ये लोग शायद अभी और कहीं लेके जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं वापस, जब मेरे को लगता है शाम को ही वापस लेके आएंगे। लेकिन बारिश इतनी है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से लेकर जाना है इन लोगों ने, नो आइडिया। एनीवेज थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ तब तक, एंड विशाली से भी बात वगैरह कर लेता हूँ फ़ोन पे, एंड फिर कंटिन्यू करता हूँ बाहर जाके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 3 बजे मैं उठी हूँ और अब मैंने चाय वगैरह पी है, थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, बट इतना नहीं है, मुझे अब नहाना है, तभी मेरी बॉडी थोड़ी मन करेगा मुझे कुछ करने का, ऑफिस और हनी ने जाना नहीं होता, तो मेरा उठने का मन नहीं करता सुबह, तो इतना लेट सोते हैं। सो फिर से लेके आए हैं कोई गुफा वगैरह किसी की दिखाने के लिए, कहते हैं यहाँ पर भालू हैं जो गुफाओं में रहते हैं, देखता हूँ अगर दिखते तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। चल चल के बुरा हाल हो गया सुबह से, और मैं रेडी भी नहीं हुआ, शॉर्ट्स में ही आ गया, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कब बारिश स्टार्ट हो जाए। तो अभी एक ये और लोकेशन है, इसका नाम है रीछगढ़, और कहा जाता है कि यहाँ पर भालू दिखते हैं, रहते भी हैं आगे, अगर कोई दिखा तो आई विल शो यू। बाकी इस तरीके से उतरते हैं यहाँ से, एक सेकंड, कुछ ऐसा है ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो गया मामला, वहां से उतरते उतरते भाई के पैर पे लग गई, ज्यादा तो नहीं लगी है, कुछ ज्यादा ही हिडन जेम है ये इंडिया का, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आता होगा, ज्यादा लोकल्स ही आते हैं, ये लोकल स्पॉट्स है, ज्यादा लोगों को मालूम भी नहीं है। और मैंने अपना जुगाड़ अपने साथ ले रखा है बारिश वाला, कहीं दोबारा से बारिश आ गई तो इतना मैं भीग नहीं सकता हूँ, इससे मैं साथ ही लेके आया था। एक इधर भी है, इधर से एग्जिट है, भाई ऊपर कैसे चढ़ना है? Enough adventure for the day. निकल कहाँ से रहे बंदे, देख रहे हो, ये देखो कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से निकलना पड़ रहा है, बड़ी गहरी गुफा है ये तो। Oh my God. ये दूसरा ऑस्टिन मिल चुका है मुझे, आवाज कर रहा है, कह रहा प्यार करो, इसको प्यार ही चाहिए, देखो जरा इसको प्यार ही देख, कोई किसी टाइम पे हस्की आया होगा यहाँ पे कोई। ये नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाता हूँ, ये मॉर्निंग के सनराइज का व्यू, ये देखो लोग यहाँ, लोग सुबह सुबह सनराइज। इस वक्त हम लोग एमपी के हाईएस्ट पीक पर हैं, यहाँ से पूरा सिटी दिखता, सिटी तो खैर ही नहीं, वो छोटा सा स्पॉट है, वही सिटी है, ये सनराइज पॉइंट है। और इसको फिर बाप का इंतजार है बेचारे को, कोई भी ऊपर नीचे कर रहा है बाहर, अपने बाप को ही ढूंढ रहा है, गर्मी को इतना पेट दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, बहुत पेट दर्द हो रहा है और क्रैम्प्स से पड़ रहा है, लाइक मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प होता है ना वैसे, पर मेरे गायने ने कहा था कि जैसे मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प होता है ना वैसा क्रैम्प से आ रहे हैं, बट उसने कहा था कि फ्रंट पेन इज़ नॉट लेबर, बैक पेन इज़ नॉट लेबर, फ्रंट बैक बोथ आर साइंस ऑफ लेबर, तो आप इसको लेबर पेन मत समझना है वो, तो मैं ऐसा कुछ समझ नहीं रही, बट मैं बहुत, मेरी टमी बेली सब ये ना बहुत थका हुआ फील कर रहा है, बहुत थकावट सी लग रही है, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग गुड।
सो गाइस, मुझे कमेंट आया था कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाओ, तो वो वीडियो मैं सिर्फ तभी बना पाऊंगी जब मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे. अगर तो अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई भी किसी भी तरीके का कुछ डाउट मतलब या कुछ भी मतलब कोई बात करनी हो तो आप मेरे को इंस्टा पे, मेरा इंस्टा आईडी आपने देख लिया होगा स्टार्टिंग में ही, तो और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप इंस्टा पे भी मेरे को डीएम कर सकते हो या फिर आप किसी भी मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिए. मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ज़रूर आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड वी बोथ विल आंसर देम. तो उसके लिए वीडियो तभी बनेगा जब मेरे पास कलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे. फिलहाल की अपडेट ये है कि मुझे पेन से काफ़ी रिलीफ है. अभी फ़िलहाल मुझे कोई पेन नहीं है. उस टाइम तो इतना ज़्यादा पेन था कि मैं बैठ गई और इस बात को एक घंटा हो चुका है. अभी तक आई एम ओके, कुछ भी ऐसा नहीं है. विल कीप अ चेक ऑन इट. मैं सोच रही हूँ थोड़ी रील बना लूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो थोड़ा, तो मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ. पनीर का ये पराठा जिसपे बहुत हल्का सा घी लगा है, थोड़ा सा ड्राई, इसका ड्राई फ्रूट. मैं सोच रही हूँ थोड़ी रील बना लूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो थोड़ा, तो मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ. तो मैंने रील बना ली है, एक दो दो तीन रील बनाई है और बड़े दिनों बाद बनाई तो बहुत अच्छा लगा. और लेकिन थकावट उतनी है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई. इसी के साथ मैं करती हूँ साइन आउट. आगे हनी के व्लॉग्स डाल दूँगी जो भी उसने शूट किया होगा. मिलते हैं कल, बाय. इसके एक ही कान में दवाई डाली है, देखो कैसे वो हो रहा है. वो दूसरे में डालनी है तो भग रहा ना. रुको गाइस, अब मैं इसको छोड़ूंगी, अब इसका हाल देखना. चलो तो गाइस डिनर लग चुका है एंड ये इस तरीके का कुछ सेटअप होता है. और आज डिनर में है ये पनीर बटर मसाला एंड सम आलू बीन्स, सम चना मसाला, दाल फ्राई. किस तरीके का टूर है. यहाँ पे चपाती है, ये डेजर्ट और ये है और ये है एंड हम लोग इधर खाने बैठे, तो खा लेता हूँ एंड उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ. ये टिप्सी है, ये टॉपसी है, ये जिप्सी है, ये टॉपसी है, और ये मदर है और ये इसकी चाइल्ड है. मतलब देख रहे हो आप कितना डिफरेंस है. तो गाइस पेट पे आ चुका हूँ, डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत थकान हो चुकी है. मेरी तरफ से गुड नाइट. मुझे नहीं लगता मैं आगे व्लॉग कर पाऊँगा क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ, बहुत थक गया हूँ चल चल के. यू नो 450 सीढ़ियाँ उतरे एंड फिर चढ़े, तो बहुत थकान हो गई है. एंड अगर विशाली का कुछ होगा तो शायद वो ऐड कर देगी. बाकी मेरी तरफ से गुड नाइट, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल. अभी जर्नी बची हुई है, आप लोग स्टे कनेक्टेड. गुड नाइट.